बीबीसी दुनिया में आज देखिए, क्या बिहार नहीं दे पा रहा है बेरोजगारों को रोजगार। कोरोना महामारी की मार झेलकर बिहार लौटे कई लोगों को आज भी नहीं मिल पा रहा काम। 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे लाखों लोग। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। आज कवर स्टोरी में बताएंगे बिहार में मनरेगा की आज क्या है हकीकत, लेकिन पहले हेडलाइंस। काबुल यूनिवर्सिटी में हमले में 19 लोगों की मौत, 20 घायल। अफगान सरकार के मुताबिक सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 3 हमलावर भी मारे गए। तालिबान ने हमले में हाथ होने से किया इनकार। भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 45,000 से ज्यादा मामले और 496 लोगों की मौत। अब तक कुल मामले 82 लाख के पार। कोरोना वायरस के केस बढ़ने के बाद यूरोप के कई देशों में सख्त हुए प्रतिबंध। इटली में सरकार ने दिया रात का कर्फ्यू लगाने का प्रस्ताव। जर्मनी में बार, रेस्टोरेंट, जिम और आर्ट गैलरीज पूरे नवंबर के लिए बंद। अमरीकी राष्ट्रपति चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 4 अहम राज्यों में करेंगे रैली। उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन 2 राज्यों में करेंगे प्रचार। तमाम सर्वे में जो बाइडेन की बढ़त बरकरार। और मिलाएंगे दर्द को संगीत में बदल रही अफगानिस्तान की गिटार गर्ल्स से। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। महामारी के शुरुआती दिनों की वो तस्वीरें देश और विदेश में भी लोगों को याद हैं, जब लाखों मजदूर मजबूरी में शहरों से गांव की ओर पैदल ही चल पड़े। इनमें से ज्यादातर बिहार के थे, जिन्हें उम्मीद थी कि परदेश में रोटी नहीं मिली पर गांव में तो जिंदगी को सहारा मिलेगा। क्या अपने राज्य में इन्हें रोजगार मिला या चुनावी गहमागहमी में ये कहीं पीछे छूट गए? आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। बिहार में एक चरण का मतदान हो गया है, 2 चरण बाकी है। ऐसे में महामारी में अपने घर लौटे मजदूरों को उम्मीद है कि आने वाली सरकार शायद उनकी जिंदगी भी बदल दे, शायद महामारी में बेकार हुए लोगों को काम मिल जाए। लेकिन चुनावी वादों का हिसाब तो बाद में होगा। रोजगार की जो योजनाएं पहले से हैं, क्या उनको लागू कराने के लिए मुकम्मल कोशिश हुई? देखिए बीबीसी संवाददाता कीर्ति दुबे की बिहार से ये ग्राउंड रिपोर्ट। जो नरेगा कानून नहीं है तो जो काटकाय बनाया, हम लोग धरना देंगे, उसे नरेगा के काम मांगेंगे। अब लॉकडाउन लगे रहेगा, नहीं काम कहीं मिलेगा तो सब बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। यही नहीं समझ में आता कि किनको हम सरकार बनाए कि जो हमारी रक्षा कर सके। कहीं कोई काम नहीं मिला सर, कोई काम भी नहीं मिला। हम तो काम ढूंढ रहे हैं पर काम मिल ही नहीं रहा। अब यही रहेंगे, धान काट रहे हैं और यही सब काट छोड़ के खा लेंगे, और वहां जाने से क्या फायदा? जबकि जाएंगे और फिर लॉकडाउन होगा तो फिर फंसेंगे, तो फिर तो दोबारा में जान जाने का चांस है। यही नहीं समझ में आता कि किनको हम सरकार बनाए कि जो हमारी रक्षा कर सके। लॉकडाउन के कारण करोड़ों प्रवासी मजदूर अपने घर लौटे, इनमें से करीब 15 लाख बिहार आए। कई किलोमीटर पैदल चलकर, ट्रकों और ट्रेनों में सवार होकर अपने गाँव तक पहुँचे इन मजदूरों की दुश्वारियों का कोई अंत नजर नहीं आता। अभी तो नहीं जाएंगे, अभी जाने का विचार है सिलचर जाएंगे। नहीं होता है जाने की हिम्मत, जिस वहाँ पर गए थे पैसा नहीं मिला तो फिर दो, अगर पैसा मिलता अच्छा, खाना खुराक मिलता अच्छा तो वे वहाँ जाते। फैक्ट्री में मिलेगा तो फैक्ट्री में कर लेंगे, खेती में मिलेगा तो खेती में काम कर लेंगे। अब लॉकडाउन लगे रहेगा, नहीं काम कहीं मिलेगा तो सब बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। राजनीतिक पार्टियों के लिए मनरेगा कोई चुनावी मुद्दा नहीं लगता। पार्टियों की घोषणा पत्र या संकल्प पत्र रोजगार देने का वादा तो करते हैं, पर पहले से मौजूद कानून को लागू करने की मजबूत कोशिश नजर नहीं आती। लेकिन बिहार विधानसभा चुनावों के बाकी उम्मीदवारों से अलग हैं संजय सहनी। संजय प्रवासी मजदूर थे और अब मनरेगा मजदूर और एक एक्टिविस्ट भी हैं। मुजफ्फरपुर के कुर्नी विधानसभा क्षेत्र से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। संजय ने अपने इलाके में मनरेगा में भ्रष्टाचार को उजागर किया। संजय का दावा है कि उन्होंने लाखों लोगों को मनरेगा के तहत मजदूरी दिलाई और इस बार वो मजदूरों के लिए विधानसभा जाना चाहते हैं। मैं एक मजदूर हूं
और मजदूर सिर्फ एक जाति में नहीं होते हैं। मैं जिस मजदूरों के लिए संघर्ष कर रहा हूँ वो किसी एक कास्ट के मजदूर नहीं है, वो सभी कास्ट के मजदूर है, गरीब है, किसान है, और मैं सबके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। जो उन्होंने इतिहास बना रखा है हमारे देश के नेता लोग, जाति पे वोट, जाति पे बात करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, उसी इतिहास को मैं बदलने वाला हूँ। लेकिन मजदूरों को सम्मान और रोटी देने वाला ये कानून बिहार में लगातार कमजोर होता दिखता है। 2020-21 में अब तक मजदूरों को औसतन 33 दिन काम मिला, 2019-20 में 41 दिन काम मिला, 2018-19 में 42 दिन काम मिला। ऐसे में बिहार में मनरेगा मजदूरों को औसतन 50 दिन का काम भी नहीं मिलता। इस साल फरवरी में मनरेगा का बजट बीते कारोबारी साल से लगभग 13% घटाकर 60,000 करोड़ किया गया। हालांकि लॉकडाउन में सरकार ने 40,000 करोड़ का अतिरिक्त बजट दिया, लेकिन ये रकम जरूरत से काफी कम है। So on the one hand, the government knows that and is trying to some extent to respond to the demand. And on the other hand, I think that the NDA government has always felt that this was not their own initiative. Modi is not going to get much credit for it. It was an initiative of the previous government. And in any case, there is a bit of an ideology of self-reliance, or at least self-reliance for poor people. I'm not talking of the corporates because they are getting a huge amount of government support. But this whole rhetoric of Atmanirbharta, partly the message is that people have to stand on their own feet. And that is why I think there have been so few initiatives in the last 5 or 6 years in the field of social security. Hardly any initiative was the name. The last big initiative was the National Food Security Act in 2013. Manrega ke Bihar mein kamzor hone ka ye karan bhi hai ki Manrega mein milne wali mazdoori rajya ki nyuntam mazdoori se kafi kam hai. Bihar mein agar ek mazdoor mazdoori karta hai to use kam se kam 287 rupaye roz ka vetan dena hoga, jabki Manrega mein yahi mazdoori 193 rupaye hai. मजदूरों की सबसे बड़ी परेशानी ये भी है कि वो ज़्यादातर बिचौलियों और ठेकेदारों के चंगुल में फंस कर रह जाते हैं। ऐसे में मनरेगा क्या ग्रामीण भारत में कभी अपने उद्देश्य पूरे कर पाएगा? Not in many other states, even states like Odisha and Chhattisgarh, which are not very different from Bihar and Jharkhand in terms of level of economic development, they have been able to drive out these contractors and entrust the implementation of Narega mostly to the Gram Panchayats. This is the correct way to do it, and that is the best safeguard against corruption. But in places like Jharkhand and Bihar, these contractors are still there, even though they're not supposed to have any role in Narega. And they are the ones who, in collusion with local political leaders, are looting Narega. And that can only change if the political parties make up their mind to stop that loot. हालांकि अधिकारी मानते हैं कि मनरेगा में मजदूरों को पहले के मुकाबले अब ज्यादा काम मिलता है। यदि हम मनरेगा की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले साल सितंबर तक हम लोगों ने 7,82,00,000 मानव दिवस सृजित करे थे, जो इस साल बढ़कर के 13 करोड़ के करीब हो गया है आज तक। और अगर हम सितंबर तक का आंकड़ा देखें तो पिछले साल की तुलना में 75% अधिक है। काम उन्हीं को दिया जा सकता है जो इच्छुक हों, जो वॉलंटियर करें। जो वॉलंटियर करते हैं उसमें से 99.9% लोगों को कार्य ऑफर किया जाता है। उनमें से कुछ लोग काम पे नहीं जाते हैं विभिन्न कारणों से, और जो जाते हैं उनको अवश्य ही काम दिया जाता है। भारत सरकार के आंकड़े कहते हैं कि 15,00,000 प्रवासी मजदूर बिहार वापस आए हैं। राज्य की नीतीश कुमार सरकार कहती है कि 100 दिन जो मनरेगा में मजदूरों को काम के लिए मिलते हैं उन्हें बढ़ा के 200 कर देने चाहिए, लेकिन ये मुद्दा कहीं किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र में दिखाई नहीं देता, न ही मनरेगा के तहत मिलने वाली मजदूरी किसी भी पार्टी के घोषणा पत्र और उनके एजेंडा का हिस्सा है। वर्तमान समय में मनरेगा के तहत सिर्फ 44 दिन लोगों को काम मिल रहा है। ऐसे में मजदूरों के पास ये अपना गाँव अपना शहर छोड़कर बड़े शहर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। कीर्ति दुबे, बीबीसी हिंदी, मुजफ्फरपुर, बिहार। वैसे भी बिहार चुनाव में नौकरी और रोजगार बड़ा मुद्दा है। पार्टियां लाखों नौकरियां देने का वादा कर रही हैं। अब देखना होगा कि क्या इन कामगारों और प्रवासी मजदूरों को भी इन वादों में हिस्सेदारी मिलेगी या नहीं। और वक्त एक ब्रेक का है, ब्रेक के बाद दिखाएंगे अमरीका में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन क्या कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन। जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। सिर्फ दो दिन रह गए हैं जब उस चुनाव का नतीजा आएगा जिसका दुनिया को इंतजार है, इसीलिए प्रचार चरम पर है और नजर अहम राज्यों पर जहां के वोटर्स रिझाने की कोशिश दोनों ही उम्मीदवार कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन का प्रचार के आखिरी दिनों में पूरा फोकस पेंसिल्वेनिया पर है। ये उन बैटल ग्राउंड स्टेट्स में से एक है जिनकी इस बार के चुनावी नतीजों में अहम भूमिका रहने वाली है। नजरें बाकी राज्यों पर भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान उत्तरी कैरोलिना, मिशिगन और विस्कॉन्सिन भी जाएंगे। उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी जो बाइडेन ने आखिरी वक्त पर ओहायो जाने का फैसला किया है। और पेंसिल्वेनिया में एक रैली के दौरान जो बाइडेन ने कहा कि वो ही कोरोना महामारी से निपट सकते हैं और अमरीकी अर्थव्यवस्था में जान भी डाल सकते हैं। Imagine where we'd be if this president just wore a mask instead of mocked it from the beginning. I can tell you this, and every major health expert agrees with me, I can tell you this, we wouldn't have 9 million confirmed cases of COVID in this nation. We wouldn't have over 230,000 dead. वहीं ट्रंप ने फिर चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए और कहा कि अगर चुनाव वाले दिन के बाद भी वोटों की गिनती जारी रही तो इसमें उनके वकीलों को दखल देना पड़ेगा। You know what would have been really nice though if our Supreme Court could have ruled that everything has to be counted by the evening of our election, our grand election day. Wouldn't that be nice? Instead of waiting around 6 days, 8 days, 9 days, giving them more time. If they want more time, let them put their ballots in early. They don't have to wait till the end. Let's give them an extra 3 days and let's take all the time you want. इस बीच आइए देखते हैं कि पोल्स क्या कहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी अपने डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंदी से पीछे हैं, जो बाइडेन ट्रंप से लगभग 9% आगे चल रहे हैं। बाइडेन चुनाव में जीत या हार तय करने वाले बैटल ग्राउंड स्टेट्स में भी ट्रंप से आगे हैं, हालांकि यहां ये अंतर ज्यादा नहीं है। अभी तक 9 करोड़ मतदाता वोट डाल चुके हैं, इससे अमेरिका पिछली एक सदी के सबसे ज्यादा वोटर टर्नआउट की तरफ बढ़ रहा है। और इस चुनाव में अमेरिका में रहने वाले दक्षिण एशियाई लोगों के लिए फेक न्यूज भी चिंता की बात है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडेन के दक्षिण एशियाई समर्थकों का दावा है कि ऐसी कई फेक न्यूज भारत में बनाई जा रही है। देखिए वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता विनीत खरे की रिपोर्ट। भारतीयों की तरह भारतीय अमेरिकी भी व्हाट्सएप का जमकर इस्तेमाल करते हैं और भारत की तरह यहाँ भी लोगों के मोबाइल पर फेक न्यूज पहुंच रहा है। बाइडेन कैंपेन में फेक न्यूज को ट्रैक करने के लिए एक टीम है। जब हमने ये ग्रुप में ज्वाइन किया जब शुरुआत में, तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था कि फेक न्यूज का इतना सारा प्रभाव होगा। और मैंने वो भी देखा कि वो ज्यादातर इंडिया से थे, जो भी प्रो ट्रंप सपोर्ट दिखा रहे थे वो, और उससे भी ज्यादा जो बाइडेन के बारे में जो खराब बातें कर रहे थे वो सब इंडिया के थे। मैंने कई लोगों को दिल्ली से देखा है कि यू नो लोकेशन आता है तो दिल्ली में थे, मुंबई में थे, कई लोग इंडिया से थे और छुपाते भी नहीं थे, वो तो बोल रहे थे कि हाँ मैं तो दिल्ली में हूँ, मैं वोट नहीं करने वाला हूँ, मगर मैं प्रो ट्रंप हूँ या एंटी बाइडेन हूँ, जो भी वो उनका मैसेज था वो था। इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी की तरह पाकिस्तानी अमेरिकी समुदाय में भी सोशल मीडिया व्हाट्सएप की मदद से ऐसे मैसेजेस सर्कुलेट होते हैं, फैलते हैं। जब कमला हैरिस मुंतखब हुई तो ये बहुत ज्यादा बातें फैलने की, जनाब वो तो जो है बिल्कुल ही सारी गेम ही एक तरफ की हो जाएगी और वो प्रो इंडियन है और जो जब वो आएंगे तो उसका इफेक्ट जो साउथ एशिया की पॉलिसी के ऊपर होगा, उसका इफेक्ट जो है कश्मीर के ऊपर होगा। लेकिन फिर वो ये बात भूल गए कि बेसिकली कमला को तो पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उस वक्त से सपोर्ट किया जब वो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थी। अगर आप देखें उनका कैलिफोर्निया में कौन है राइट हैंड, डॉक्टर आसिफ महमूद, पाकिस्तानी जो कि वहाँ लेफ्ट हैंड गवर्नमेंट इलेक्शन भी लड़े हैं। फेसबुक और ट्विटर बार बार कहते हैं कि वो फेक न्यूज को रोकने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हर दिन लोगों के व्हाट्सएप पर वीडियोस, मैसेजेस, राजनीतिक प्रोपेगेंडा ये सब पहुंच रहा है, जिसे कई बार लोग बिना सोचे समझे फॉरवर्ड कर देते हैं। इसे रोकना आसान नहीं। विनीत खरे, बीबीसी, वॉशिंगटन डीसी। और एक ब्रेक के बाद मिलाएंगे अफगानिस्तान की गिटार गर्ल से। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया, मैं हूं सारिका सिंह। संगीत दर्द मिटाने का जरिया बन गया है अफगानिस्तान की कुछ लड़कियों के लिए। लगभग दो दशक से युद्ध और हिंसा झेल रही और कई अपनों को गंवा चुकी इस पीढ़ी को संगीत में सुकून मिल रहा है। कभी सड़कों पर सामान बेचने वाली ये लड़कियां अब एक पॉप बैंड का हिस्सा हैं, जिसका नाम है द मिरेकुलस लव किड्स। स्वीट ड्रीम्स गाना 80 के दशक के एक हिट सॉन्ग पर आधारित है और अब इन अफगान लड़कियों के लिए ये प्रेरणा स्रोत बन गया है। ये लड़कियां द मिरेकुलस लव किड्स नाम के बैंड की सदस्य हैं। इस संगीत में उनकी आप बीती और संघर्ष बयां हुआ है, पर इस मुकाम तक पहुंचना आसान नहीं था। मैं मुरसल से 4 साल पहले मिला था, तब वो गिटार बजाना सीख रही थी। साल 2012 में उनकी दो बहनों की एक आत्मघाती हमले में मौत हो गई। उसके बाद एक अमेरिकन म्यूजिशियन अफगानिस्तान आए और स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए उन्होंने एक गिटार स्कूल खोला। मुरसल उनकी पहली स्टूडेंट बनी। लड़कियों को गिटार देने के पीछे एक ही मकसद था कि उन्हें आवाज दी जाए जिनका दर्द सामने नहीं आ पाता, और संगीत की ताकत से ऐसे लोगों को साथ लाया जाए। अफगानिस्तान की खराब हालत के बावजूद वहां की लड़कियों ने काफी तरक्की की है। अब मुरसल एक गिटार कोच हैं और उनके सपने बहुत बड़े हैं। मुरसल और उनकी दोस्त ऐसे भविष्य की उम्मीद में हैं, जहां वो संघर्ष कर रही दूसरी लड़कियों की आवाज बन सकें। ये संगीत नहीं, नई जिंदगी की धुन है। और महीनों बाद हाथी काम पर लौट आए हैं। असम के काजीरंगा में एलिफेंट सफारी शुरू हो गया है। हालांकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन यहां करना होगा। एक बार 37 टूरिस्ट ही जा सकते हैं। इस नेशनल पार्क में हाथियों के साथ बाघ और तेंदुआ भी रहते हैं। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBCSarika पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है। Thank you.